प्रीव्यू आप कायदे का पालन मी आधी सांगितलं त्यांना मी तुम्हाला लिखित उत्तर देतो बरं द्या ना मग अभी तेच मात तर अभी देवी की वो कैसी बात कर रहे अभी मत हो थोड़ी देर से दो 10 मिनट से दो 15 मिनट से दो लेकिन हमको राइटिंग में सर तुम्ही ते उदय सर साहेब चांगली ट्रीटमेंट करता सर फक्त आवाज ट्रीटमेंट नाही केली सर तुम्ही उदय सर नाम ले पाचे नहीं वो उदय सर बोल के एक कमेटी के पाक कमेटी के तो उनको गरीब जो तो के बच्चे को ऐसी परेशानी होंगी और आप लोग अगर ये जो बोल के झाड़ देंगे भैया अगर देखो स्कूल के अंदर परेशानी कोर्ट कोर्ट का ऑर्डर समझते कि नहीं आप कोर्ट का ऑर्डर कोर्ट का पालन तो हम भी करते हम क्या बोल रहे हैं तो थोड़ा टाइम पीरियड दीजिएगा आप थोड़ा थोड़ा करके भरिए सुनिए हाँ सुनिए मैंने जो दो लेटर निकाला था वो वैसे ही निकाला था कि भाई किसी ने आपने अच्छे से तरीके सलीके से बात कर दी तो सुनो अभी मेरे ऑफिस के अंदर तीन लोग पहले ही खड़े थे मैंने आपको बोला कि भाई एक आ जाओ सर अरे सर मैं अकेला आऊंगा फरियादी की बात आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे हम किसके लिए आए आपके पास फरियादी ऐसा रूमाल नीचे ना रख के बात करेंगे तो तुमने 20 फुट लाएंगे सर मैं 20 फुट लाएंगे तुमसे पास 50 फुट जरिए ये कैसा कैसा बात कर रहे हैं आपसे अभी ये आपसे कैसा बात कर रहे हैं कैसा आपके पास बाजू जो खड़े हैं आपके बाजू जो खड़े हो कैसा बात कर रहे हैं मास्क निकाल के तो कर रहे हैं मास्क नीचे करके कर रहे हैं ना कहाँ कर रहे मास्क नीचे करा हुआ है ना उनका भी कहाँ है अरे ऐसी बात कर रहे सर ऐसा जो है तो आपके पास कोई फरियादी हमारे तक कोई दूसरा गरीब है ठीक है सर आपने जो विषय में चला गया है उसको बात करो ठीक है आपकी बात करने की स्टाइल है हम मान के समझ गए लेकिन आप इसके ऊपर आप भी धर्मी का स्टाइल है ऐसी बात करो आप एक जिम्मेदार है कुछ बोल के ठीक है काम की बात करो जो आप बता रहे हैं जवान के ऊपर शौकत रखने का उनको तो बुला और उसको तोंडी क्या चर्चा करना है करो बुलाओ उनके सामने बोलो ताकि उसको मालूम पड़ना कि अपन गलत जा रहे आप एक बहुत बड़े जिम्मेदार है फिर बोलो मैं आपको आप छोटे मोटे जिम्मेदार नहीं है आप बहुत बड़े जिम्मेदार है कितने भी बड़े जिम्मेदार हो तो कानून से बड़ा कोई नहीं है कानून एक मिनट हम कानून के खिलाफ क्या बात कर रहे हैं आपको कानून अधिकार देता है कि ऐसे रफ लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है आपको कानून अधिकार देता है ऐसा रफ लैंग्वेज में बात करनी बोल के आप बोले सामने बुरा नहीं बोल रहे याला विवेकानंदला मागच्या वर्षी 18 मध्ये त्यांनी पत्र दिलं होतं आपल्याला मी शाळा बंद करतोय आणि आपण त्याला पत्र दिलं होतं का बंद नाही करताना 19 मध्ये पत्र दिलं होतं त्यांनी दरवर्षी देतात त्याचे दोन्ही त्याचे आलेले पत्र आणि आपण दिलेलं उत्तर ते द्या मला तर देखिए आप कल सुबह यहाँ पे आइएगा के पास मुलाकात एक मिनट मैं यहाँ मिलूंगा इसके गारंटी नहीं डिप्टी वो लाटकर मैडम रहते हैं नहीं तो सावड़े मैडम रहते हैं उनको बताया मैंने सर लाटकर मैडम तो आए कौन देते हैं सर तुम्हें आए करना था ऐसा पहले आप उधर आप हम ना तो बोलो ना अपन बोला ले चालू बोलिए सर आप लाटकर मैडम या सावड़े मैडम जो है उनसे मिलने का ठीक बराबर यस और एकदम कल मत आओ अभी वो हेडमास्टर का नंबर ढूंढेंगे उसको बुलाएंगे आज आएंगे या कल आएंगे उसको बताएंगे उसके बाद में फिर उनको मिलो परसों मिलो ठीक है वेडनेसडे को आपका आज का एक्टिविटी है ना वेडनेसडे थर्सडे आप आइए आजा मध्ये मुख्य अध्यापकाचा नंबर पण दिलेला आहे सर सर आजा मध्ये मुख्य अध्यापकाचा मोबाईल नंबर पण दिलेला आहे पिछले काफी कुछ दिनों से दारुस्सलाम के ऊपर और खादा इम्तियाज जी साहब के ऑफिस पर काफ़ी सारे पेरेंट्स की कंप्लेन आ रही थी कि एक स्कूल है न्यू बिगनिंग हाई स्कूल नाम है उसका उस स्कूल के जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का स्टाफ जो है तो वहाँ के पेरेंट्स को काफ़ी परेशान कर रहा था कि आप लोग जो है तो बच्चों की फ़ीस भरिए तो काफ़ी सारे पेरेंट्स ने एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहा कि सर लॉकडाउन की वजह से हम लोग गरीब लोग हैं हम परेशान हैं हमको थोड़ा वक्त दीजिए हम फीस भर देंगे हम कुछ इंस्टॉलमेंट्स में फ़ीस भर देंगे मगर जो है तो वो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने वो बच्चों को जो है तो ऑनलाइन क्लासेस से महरूम कर दिया उनको ऑनलाइन क्लासेस से हटा दिया उनके एग्जाम भी नहीं लिए यही कंप्लेन लेकर उन जो है तो फरियादी पेरेंट्स के साथ हम लोग आज जो है तो शिक्षण अधिकारी एसपी जायसवाल साहब के पास यहाँ पर आए थे एसपी जायसवाल साहब का जो बोलने का तरीक़ा है जो बात करने का रवैया है वो इतना रफ़ है जिसकी कोई इंतहा नहीं हम लोग फरियादी पेरेंट्स के साथ उनसे बात कर रहे हैं और रिप्लाई में वो ये बोल रहे हैं कि मुझे जो है तो खैरे साहब के पास जाना है खैरे साहब के घर पर जाना है अरे लोक प्रतिनिधि आपके पास आए हैं आपके पास फरियादी बैठे हैं आप जो है तो फरियादी की फरियाद सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं ना कि राजनेताओं को खुश करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं
खैरे साहब आदरणीय होंगे, आप उनके घर पे जाइए, उससे हमारा विषय नहीं है। मगर कम से कम जो फरियादी जो यहाँ तक आपके पास अपनी कंप्लेन लेकर आया है, आप उसकी कंप्लेन सुनिए तो सही। उसकी कंप्लेन सुनना तो दूर, उससे एकदम रफ लैंग्वेज में बात करने का उनका जो तरीका था, हमने उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाया। हमने एसपी जो जायसवाल साहब है उनको भी ये बात कही कि भाई आपकी जो बात करने का तरीका है आप उसको दुरुस्त करिएगा, नहीं तो इसके परिणाम गलत हो जाएंगे। और जो है तो उसके बारे में हमने उनसे डिस्कशन भी किया, और अभी जो है तो एसपी जायसवाल साहब की हम लोग कंप्लेंट भी आगे करेंगे, और दूसरे भी जो पेरेंट्स हैं जो अपने स्कूल से परेशान हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर आपके स्कूल में कोई परेशानी आ रही है फीस के ताल्लुक से तो आप हमसे रब्ता करिएगा। और जायसवाल साहब से एक बात कहेंगे कि जायसवाल साहब आप यहाँ पर लोगों की खिदमत करने के लिए बैठे हैं, कोई राजनेताओं की खिदमत करने के लिए नहीं बैठे हैं। आपका ये कहना कि मुझे खैरे साहब के घर पर जाना है तो यहाँ ड्यूटी छोड़िए और खैरे साहब के घर के बाजू बाहर ही चपरासी करिएगा, यहाँ पर मत बैठिएगा आप।